बिहाइंड द सूट्स। कल आएंगे। से हाय। सो गाइज, ये वाला व्लॉग मैं बिल्कुल अलग से डालूंगी बिहाइंड द सूट करके। तो मेरा ये है फर्स्ट लुक, शायद ये तब मैं डालूंगी जब गाना ऑलरेडी लाइव हो चुका होगा तब, ताकि आपको उस गाने के थ्रू मेरे लुक्स और ये सारी चीज़ें पता चले। सो इस तरीके से ये फर्स्ट मेरा जो है वो फर्स्ट लुक है जो मैं शूट करने वाली हूँ। अभी हम लोकेशन पे जा रहे हैं और हम आए थे चेंज करने के लिए, तो वो भी चेंज कर लिया है और अभी और भी चेंज करना है। कैसा फोटो डाला था हमने? कौन है हीरो? कौन है हीरो? जीजू आपके लिए, आप हीरो है। और ये कैसा थंबनेल डाला? आप हीरो है, अपकमिंग स्टार का कैसा थंबनेल डाला? तो गाइस हम चल दिए, बिहाइंड द सूट है, बाद में करूंगी, अभी नहीं लाइव करूंगी। बिहाइंड द सीन, चलिए गाइस चलते हैं और देखते हैं। कल नहीं आएंगे, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं किसी का, कोई आने वाला है। और हमारी एक बात चली कि यहाँ मैं आज पहुंची हूँ तो सबसे बड़ा हाथ एक और इंसान का है, मैनेजर है ये हमारी। बहुत सारे लोगों का मेरी लाइफ में ना अलग अलग भूमिका है, जिसको मैं बोलूं है ना कि मतलब लेकिन पहला जिसने स्टार्ट कराया था मुझसे वो मेरी बहन रानी थी। मेरी सगाई हो गई थी, नहीं रोका हुआ था सगाई नहीं हुई थी, वही मतलब देखा हूँ की। तो रानी ने गाना ढूंढा था कहीं से, कौन सा, हरी हर चूड़िया, हम आपके हैं पर मूवी का कोई गाना था। अच्छा, हम आपके कोई एक ऐसा ही था जो मतलब भेजते हैं, तो जीजू को भेजने के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड को भेजने के लिए इसने मुझसे जबरदस्ती वो बनवाया था। एक दो गाने ऐसे शूट कराए थे, उसके बाद मुझे चस्का हो गया था। सॉरी टू इंटरप्ट, वो हरियर चूड़िया वो जीजा साली का गाना है, रानी आपको क्यों कहेंगे कि बना के। कोई ऐसा गाना था वो याद नहीं आ रहा। तो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुंच गए थे सूट लोकेशन पे, जहाँ पे हमारा फर्स्ट शूट होने वाला था। तो ये है लोकेशन और यहाँ पे इस टाइम चिलचिलाती जिसे धूप कहते हैं ना, वो वाली धूप हो रही थी। बट खुशी हो रही थी, अंदर से एक्साइटमेंट हो रही थी और बहुत डर भी लग रहा था क्या होगा कैसे होगा। मैंने इसीलिए सारी चीज़ें आप सभी के साथ शूट कर लिया था कि शेयर करूँगी बिहाइंड द शूट, बिहाइंड द सीन कि क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे मेरे साथ। हमारा जो शूट है वो स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग अपना कैमरा वगैरह सेट कर रहे हैं। मतलब एक किसी भी चीज़ में, एक गाने का अगर शूट हो, कोई भी शूट हो, तो उसमें कितने लोगों का हाथ होता है, मतलब पहली बार मुझे पता चला, वरना पहले मुझे इतना पता नहीं था डीपली, सच बताओ तो। ड्रोन के लिए अलग कोई हो है, अलग अलग मतलब कैमरों के लिए अलग, मेकअप के लिए अलग, गाने बनाने वाला अलग, गाने वाला अलग, इतने लोग एक चीज़ में है। तो गाइज हमारा जो शूट है वो स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे ड्रोन शूट हो रहा है, मतलब जो ड्रोन से सारी चीज़ें कैप्चर करते हैं वो सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पे आपको देखते होंगे कितने सारे लोग हैं एंड इस एक शूट में मुझे लग रहा है 8 से 7 लोग थे, कैमरे के पीछे, कैमरे के इधर, कैमरे के उधर, मतलब काफ़ी लोगों ने मिलके ये एक शूट कंप्लीट किया था। वो लोग हैं जब सो सिर्फ कैमरा मैनेज कर रहे थे, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे जो सिंगर है उन्होंने जो गाया, लिरिक्स जिसने लिखा, म्यूज़िक जिसने ऐड किया, एडिटर, DMS, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मुझे मतलब पता चली। तो वही मैं सोच रही थी कि एक चीज़ हम लोग ऐसे परोसा हुआ लगता है तो लगता है कितना ईजी है सारी चीज़ें, बट फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक सॉन्ग हो चाहे एक कुछ भी हो, उसको बनाने में कितने लोगों का हाथ होता है और कितने लोग मिलके और फिर ये काम को करते हैं। गाइज एक ये गुड न्यूज़ शायद मैंने आप सभी से छुपाया था कि मेरे साथ मेरे पति देव भी एक्ट कर रहे हैं इस सॉन्ग में, और मेरे लिए बहुत हैप्पी मोमेंट है कि मैंने अपनी लाइफ का एक जर्नी स्टार्ट किया नए फील्ड में और वहाँ साथ देने के लिए कंधे से कंधे मिला के मेरे पति देव और मेरा बच्चा मेरे साथ था, और ये मेरी लाइफ का बेस्ट मेमोरेबल सॉन्ग रहेगा जो कि मेरे हस्बैंड ने मतलब सिर्फ मेरी खुशी के लिए ये चीज़ किया।
आप उनसे सुनेंगे भी कि वो ये चीज़ बोलेंगे ब्लॉग में। वो साफ मना कर रहे थे कि नहीं, मैं अलग फील्ड से हूँ, मुझे इन सब चीज़ों में मन नहीं आना है, लेकिन मेरी ज़िद, मेरी रिक्वेस्ट से उन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ बोला। क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरी क्रिएट की गई थी, जो मुझे सुनाया गया था स्टोरी कि ऐसे ऐसे स्टोरी है, ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने सॉन्ग में पूरी स्टोरी तो देख ही लिया, तो मैंने उनसे साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पति देव की जगह किसी दूसरे मेल एक्टर को ये लोग कास्ट कर रहे थे। पहले मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसी कोई स्टोरी होगी या ऐसा कुछ होगा। लास्ट मोमेंट पे ये स्टोरी क्रिएट हुई, लास्ट मोमेंट पे ही, मतलब ये पूरा जो शूट है ना वो बहुत लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ है, लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ें हुई है। बिकॉज़ सिंगर को लेके ना थोड़ा सा इशू था, बिकॉज़ ये जो गाना बनाया गया था ये कल्पना जी जो हमारे यहाँ की सिंगर हैं उनके लिए बनाया गया था, और मतलब उनसे गवाना था इन लोगों को। और मेरे पास जब ऑफ़र आया था तो यही बोला गया था कि वो इसका जो सिंगर है वो कल्पना जी हैं। तो मेरे अंदर भी था कि मैं अपनी लाइफ का फर्स्ट कुछ स्टार्ट कर रही हूँ तो किसी बड़े सिंगर का सॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि उनके पास डेट्स अवेलेबल नहीं थे बिल्कुल भी, और किसी के पास इस टाइम लास्ट मोमेंट पे सच बताऊँ तो डेट्स अवेलेबल नहीं थे। बट इन लोगों ने कैसे क्या रिक्वेस्ट करके और कराया है। एंड आपको पता है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो सिंगर ने सॉन्ग गाया है उनको पता भी नहीं है कि उनके सॉन्ग पे कौन एक्ट कर रहा है और इस सॉन्ग पे कौन होगा। शायद जब वो देखेंगी तो वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएंगी मुझे देख के अपने इस सॉन्ग पे। और मेरे लिए भी ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, और सच बताऊँ कि मैं भी चाहती हूँ कि उनको डायरेक्ट वीडियो देख के पता चले कि उनके सॉन्ग पे मैंने और पतिदेव ने एक्ट किया है थी। और मैं कितनी खुश हूँ इस चीज़ से मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ कि मेरे लिए कितना खुशी का पल है कि मैं अपने हस्बैंड, अपनी डॉटर के साथ मैं अपनी ज़िंदगी का पहला कदम रख रही हूँ किसी इंडस्ट्री में। वो लोग ना हमें साथ साथ क्लिप्स वगैरह भी दिखा रहे थे, जो ड्रोन से थे चाहे जो नॉर्मल थे वो भी। यहाँ का मेकअप हट चुका है, यहाँ का मेकअप हट गया। ये लोग जा रहे हैं, गर्मी, हाँ गर्मी बहुत गर्मी है। नहीं वो उन्होंने ले लिया। सो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ एकदम अलग एक्सपीरियंस है। ठीक है चले, कैसा लग रहा है? सुपर फैंटास्टिक, और डिफरेंट फ्रॉम माय जॉब। चलिए गाइस, सिर्फ अपनी लाइफ की खुशी के लिए, क्योंकि मतलब अपनी वाइफ के सपने के लिए। और पता है मैं आपको बताऊं कि ना ऑफर हो रहा है, लोग पागल हो जाते हैं ये काम करने के लिए। हीरोइन के बगल में हीरो को लिया गया है। एक्चुअली ये वाला जो स्टोरी है वो हमें कल रात को पता चला था, है ना रानी? ये मुझे पता है, ज्यादा धमाल मचा मूवी बन जाए। सो गाइज थोड़ा सा टफ है, इतने रीटेक्स होते हैं ना इसमें कि मतलब एक इस साइड का फेस लो, फिर इस साइड का लो, फिर ऊपर से फेस लो, मतलब बहुत मेहनत का काम है यार। और हम एकदम परोसा हुआ चीज़ देख के हमें लगता है कि यार क्या हुआ है, लेकिन सच में एक शीश को ना 4 से 5 बार कराया जा रहा है। साइड का टेक ले रहे हैं, इधर का ले रहे हैं, इधर का ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड अभी चेंज भी करना है, तो अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। और चेंज करके फिर जो मेन वीडियो का पूरा सॉन्ग का शूट है वो मेन अब होने वाला है। और मेरी फैमिली ने जो मेरा सपोर्ट किया ना, धनवी को भी संभाला, मेरी बहन ने, मतलब मैं सबको थैंक यू बोलूँ, कितना थैंक यू बोलूँ वो शायद कम होगा, जितना पूरे परिवार ने मिलकर सपोर्ट किया, जिसकी वजह से शायद मैं ये कर पाई। अदरवाइज़ मैं तो साफ मतलब पैर पीछे खींच चुकी थी, और मुझे यहाँ तक लग रहा था कि अभी मेरे से एक्ट नहीं हो पाएगा तो ये मना कर देंगे कि नहीं ऐसा है वैसा है। बिकॉज़ बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल इसलिए था बिकॉज़ मैं बहुत हंसने वाली लड़कियाँ, वैसे जो लड़कियाँ होती है ना वैसी टाइप की हूँ, और मेरे को देखिए बहुत ज़्यादा एक्टिंग तो आता नहीं है, सच बताऊँ पहला एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी। और दूसरा जब मेल एक्टर की बात हुई थी तभी मुझे लग गया था कि अब नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ लास्ट मोमेंट में मतलब मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ना मतलब मैं अपनी फैमिली, ऐसा होता है कि चलो पहले परिवार में सबसे बात किया होता कि ऐसे ऐसे है तो एक अलग चीज़ होती। अब मैं सेट पे गई हूँ, वहाँ पे मुझे मॉर्निंग में ये चीज़ पता चल रही है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो फिर मेरे लिए एकदम से डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल था। बिकॉज़ अभी मैं अपने फील्ड के साथ साथ मैं एक घर की बहू भी हूँ, तो मुझे उस चीज़ को ध्यान में रख के कोई भी चीज़ करना है। सो गाइज
अभी हमारा यहाँ का जो पूरा इस लोकेशन का शूट था वो कंप्लीट हो चुका है और मैं लग रही हूँ ना पूरी गांव की बहू, गांव टाइप्स। ये देखो मेरे बाल, ये मेरी बड़ी बड़ी सी चोटियाँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं सेकेंड लोकेशन पे, वहाँ शूट होगा आज। मुझे पूरा दिन लग गया और मैंने पता है एक्साइटमेंट में, खुशी में कुछ खाया भी नहीं है और पता है 1% भूख नहीं लगी है। मैं जो शूट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलके शूट कर रहे हैं, किसी का ड्रोन है, किसी का कुछ है कुछ है, मैं सबको मिलवाऊंगी दिखाऊंगी। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि थोड़ा सा वो है, तो नहीं नहीं आप अच्छा कर रही हैं, आप अच्छा कर रही हैं, पता नहीं आप लोग को पसंद आएगा या नहीं आएगा। अपनी तरफ से तो मैं बेस्ट दे रही हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा क्या बोलूँ, ज़्यादा चीज़ ये तो मुझे लग रहा है जब ब्लॉग लाइव हो जाएगा तभी आप सभी के सामने आएगा कि मतलब मैं ना थोड़ी चुलबुली वैसी टाइप लड़की हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें नहीं कर पाती हूँ और ये बहुत इमोशनल है मेरे लिए, तो थोड़ा मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए टफ है, बट आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। सो गाइज, कैसी लग रही हूँ मैं, गाँव की बहुरिया नहीं लग रही हूँ, गाँव की गोरी, गाँव की गोरी। साड़ी वड़ी पहन के इतना सिंपल मेकअप, तो मुझे लग रहा है इस तरीके की साड़ी भी मैंने कभी नहीं किया। मेकअप तो है ही नहीं, मतलब जो थोड़ा बहुत किया भी था ना वो भी थोड़ा सा वो किया। और अभी जा रहे हैं हम लोग, मुझे लगी बहुत तेज भूख, पर मैं कुछ खाऊंगी नहीं क्योंकि खाऊंगी तो एनर्जी मेरे फेस पे दिखने लग जाएगी और ऐसे ढीली ढीली सी रहूँगी। हम लोग आ गए मंदिर में और सुबह से शाम कब हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला, खड़े खड़े अभी हमने कुछ भी नहीं खाया है और मैंने तो जानबूझ के नहीं खाया था, आपको बताया ही मैंने ब्लॉग में। ये यहाँ पे अब मंदिर में जो ड्रोन के शूट है वो हो रहे हैं और भी दो तीन जने बाद में फिर हमें ज्वाइन किए थे जब उनका अलग अलग, मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरे को तो इतना पता भी नहीं है सच बताऊँ तो कैमरा वैमरा का, तो जब जिसका जो जो शूट का काम हो रहा था तब तब बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे थे। सो गाइस, अभी हम लोग मंदिर आए हैं और यहाँ पे हमारा शूट चल रहा है एंड अब हम लोग मतलब जो और भी है वो कल तक चलेगा बहुत सारे के लिए, बिकॉज अंधेरा हो चुका है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं शूट हो पा रही है, तो कल भी मेरा पहला काम होगी ऐसा माता रानी, मैं स्पेशल चाइल्ड तो हूँ माता रानी की, भगवान की मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ। सब कहते हैं कि निकी आप स्पेशल हो, जब भी मिल वो कंप्लीट होता है तब 1 लाख की जर्नी उस टाइम से पैसा कमेंट करते हैं, भाई मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ आपके कमेंट से ही बोल रही हूँ। एंड माता रानी ने मुझे इतना, मैं फिर ना मैं आरती करो धनवी को, फुल हैंड वापस लेते फटाफट। सो गाइस, फाइनली पैकअप पैकअप अब कल। अच्छा एक सेम ऐसा वो जरूरी है कि सेम ऐसे ही मैं कल भी लगूंगी, क्या पता कल मेरा चेहरा ज्यादा अच्छा लगे, कल मेरा चेहरा ज्यादा खराब लगे, ऐसा ही होगा, मैच होगा खराब वाला अच्छा लगेगा उसके लिए, उसके लिए तो है ना। तुमने जो इसने जो प्रोडक्ट लगाया था वो रख लो, लेकिन भाई बंदी का वैसे इतना। के बाद हम लोग यहाँ पे खाना वाना खाया, इस टीम में से ही किसी का घर था ये, किसका था मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उन्होंने पूरा खाने का प्रॉपर बनाया हुआ था और उनके घर पे ही ना बाकी का सारा शूट था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे लाइट्स के बहुत इशू थे और बैकग्राउंड भी थोड़ा सा वैसा लग रहा था जैसा इनको चाहिए था वैसा नहीं मिल पा रहा था, देन मैंने बोला कि आप मेरे वहाँ घर पर कर सकते हैं कोई इशू नहीं है, तो इन्होंने बाकी का जो शूट है मेरे यहाँ पर किया था। और ये जो टीम आप देख रहे हो ये लोग बॉम्बे से आए थे, पता नहीं मैंने बताया आपको नहीं बताया कि हाँ मतलब वहाँ से आए थे। ये देखो गाइस, ये देखो मैं कितना रोई हूँ। तो अभी दूसरे लुक में शूट करना है तो ये तो हो गया है एंड उसके बाद दूसरा जो है वो शूट होने वाला है ऊपर टेरेस पे, तो चेंज करके फिर मैं वहाँ जाऊँगी। एंड गाइज़,
इस सॉन्ग से बहुत सारे अपने लोग अपने रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनकी रियल लाइफ में ये सेम सिचुएशन हुई होगी। जब भी उनकी सुख का समय होता है ना, तो उनके साथ सभी लोग खड़े रहते हैं एकदम कंधे से कंधे मिला के, लेकिन जहाँ ज़रा सा भी दुख उनकी लाइफ में आता है ना, सब लोग ऐसे पीछे हटते हैं। प्लस मतलब इस सॉन्ग का मतलब ही ये है कि सुख में सब साथ होते हैं, दुख में कोई नहीं। चार दिन की ज़िंदगी है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों एक दूसरे से जलन भावना रखते हैं। और तीसरी चीज़ की लोग मतलब यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जो बिहार से लोग हैं वो एक एक पॉइंट को समझेंगे, बट मुझे लगता है जो मेरे वैसे व्यूअर्स हैं बिहार से नहीं, उनको समझने में पॉइंट्स थोड़ा सा दिक्कत होगा। गाइस नेक्स्ट डे शूट पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे मैं रोने की कोशिश कर रही थी खूब, ताकि अच्छे से शूट हो पाए। बैठ के गाने सुन सुन के अंदर से इमोशन क्रिएट कर रही थी। वैसे गाना ऐसा है ना कि एक दो बार अगर मीनिंग अच्छे से समझ के सुन लो ना, तो ऑटोमेटिक आँख से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसा गाना है कि मतलब बस अभी मुझे पता है इस गाने को ज़रूर फील के साथ सुन रहे होंगे। बहुत रोई हूँ मैं इतना, अगर मैं वैसे रो रो के आदत हो गई है रोने की। अभी घर जाके सर में होने वाला है बहुत दर्द, क्योंकि इतना सही में इधर आ जा, पोछे आ रहे हैं, बहुत मस्त हुआ है ना। अच्छा है ना, बहुत अच्छा हुआ है। फाइनली मेरी लाइफ का फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देके कर दिया है। अब पता नहीं भगवान जी और आपका आशीर्वाद होगा तो आप लोग खूब सारा प्यार आशीर्वाद देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बट हाँ, मुझे खुशी हो रही है, मैंने पर्सनली अपनी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और कि मतलब मेरे को बहुत घबराहट थी, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी, क्योंकि कभी की मतलब कितनी बार मैं ये चीज़ें सेम ब्लॉग में बोल पा रही हूँ। बट हाँ, जब शूट कंप्लीट हुआ या जब मैं कर रही थी तो सबने बहुत तारीफ़ की। इनफैक्ट जो कैमरा मैनेज कर रहे थे वो भी, उन्होंने भी तारीफ़ की कि लग ही नहीं रहा कि आप फर्स्ट टाइम ये इस तरीके से वो भी रोने वाला एक्ट कर रहे हो। बहुत तारीफ़ की सबने की, इसके लिए थैंक यू। क्योंकि ये माता रानी का मुझे लगता है स्पेशल आशीर्वाद था कि उन्होंने कराया और मेरी ज़िंदगी का एक ये चीज़ इस तरीके से शुरू हुआ। बाकी घर चलते हैं, पहले मैंने सोचा था कि मैं यहीं से घर चली जाऊँगी, बट अभी देखते हैं। एक्सट्रीम दीदी, उनको बोल दो ना पीछे वाला को थोड़ा हट जाए। क्या देख रहे हैं बाबा, गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैसा लगा आपको बिहाइंड द सीन, सारी चीज़ें कैसे शूट हुई, मैंने आप सभी के साथ बहुत अच्छे से शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और घर पे जाके बस मैं चुपचाप सो जाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने सुबह से आज भी कुछ भी नहीं खाया था, बस ऐसे ही मैं निकल गई थी घर से।